बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास ट्वेल्थ के न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर सबसे पहले आप अपना नुमेरिकल पढ़ते जाएं स्क्रीन पर आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दिख रही है जैसे जैसे नोमैरिकल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी जो गिवन टर्म्स हैं वो लिखते जाएंगे ठीक है फर्स्ट लाइन पे लिखा है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर सबसे पहले आपको क्या गिवन है फोकल लेंथ सो फोकल लेंथ आपके पास कितनी है 0.2 मीटर ठीक है एक टर्म आ गई हमारे पास एंड मेड अप ऑफ अ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास एक ग्लास है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वन ज़ीरो अगर आपने लिखना है तो लिख भी सकते हो अदरवाइज वन पॉइंट फाइव लिख कर छोड़ सकते हो अच्छा एक बात देख लेना अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो वेल एंड गुड है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन तो याद रखना जो गिलास है बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव है अगर आपके पास वाटर है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट थ्री थ्री है अगर आपके पास हवा है एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है ठीक है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं आपको ये वाली वैल्यूज़ अच्छे से लर्न होनी चाहिए अपनी कॉपी के ऊपर इस तरीके से आप अलग से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ठीक है अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है नहीं गिवन है तो आप लोगों को स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पता होनी चाहिए चलिए आगे पढ़ते हैं इज़ डिप इन अ वाटर अब क्या किया आपके पास एक इस तरह का क्या था कन्वेक्स लेंस था ठीक है इस कन्वेक्स लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है जब इसको हवा में रखा ठीक है हवा में रखा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है अब हमने क्या लिया एक बिकर लिया बिकर के अंदर क्या है पानी ठीक है अब इस रिफ इस ग्लास को इस कन्वेक्स लेंस को हमने इस पानी के अंदर डिप कर दिया ठीक है डबो दिया अगर इसको डबो देंगे तब क्या होगा इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी कि नहीं होगी ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करना बच्चे ये एम की फॉर्म में भी आ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नूमेरिकल है और आपके बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंगली तो सी बी एस ई और पंजाब बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है अब क्या किया इस लेंस को हमने पकड़ा और इस वाटर टब में डबो दिया डिप कर दिया और इस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है वन पॉइंट थ्री थ्री ठीक है बुक ने दे रखा है अदरवाइज आपको पता है वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.33। पॉइंट थ्री थ्री फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस अब हवा में से पानी में गया वाटर में आपका जो आ, लेंस है वो गया तब उसकी फोकल लेंथ कितनी चेंज होगी ये हमने पता करना है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कन्वेक्स लेंस हवा के अंदर है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा ठीक है सबसे पहले हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे एयर के अंदर फर्स्ट आपका केस क्या है या फर्स्ट स्टेप क्या है आपने पता करना है कि इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एयर के अंदर कितनी है ठीक है सो फोकल लेंथ हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं वन ओवर एफ किसकी एफ़ है ये एयर की सो so, हमने यहाँ पर इसके पैर में ए लिख दो चाहे एयर लिख दो ठीक है देन रिफ्रैक्ट म्यू माइनस वन वन ओवर आर वन वन ओवर माइनस वन ओवर आर टू क्लियर हो गया सो जस्ट फॉर्मूला लिखा है हमने कुछ नहीं करना है अब फॉर्मूले के अंदर आप अपनी वैल्यूज जो हैं पुट करनी स्टार्ट करें वन ओवर एफ हमें पता करना है ठीक है अब ध्यान से दीजिए देखिए फोकल लेंथ ऑलरेडी हमें गिवन है कितनी गिवन है 0.2 मीटर ठीक है अब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं क्यों कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें इजीली पॉइंट्स हट जाएँ और सेंटीमीटर में जो है आपको फाइंड आउट करना ईजी रहता है फोकल लेंथ सो क्या करेंगे जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर ध्यान से देख लो 0.2 पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ठीक है डेसिमल हट गया जीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल सो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा ठीक है इस तरीके से 20 सेंटीमीटर आ गया इसका मतलब ये किसकी फोकल लेंथ है एयर की ठीक है वो वाला कन्वेक्स लेंस जब वो एयर के अंदर था तो वन ओवर एफ आपको पता है वन ओवर ट्वेंटी म्यू तब उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है इस गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है वन पॉइंट फाइव माइनस वन वन ओवर आर वन आर वन और आर टू ये दो चीज़ें हमें गिवन है इसके अलावा हमारे पास कोई और टर्म गिवन नहीं है इसका मतलब इसे एस सच लिख देंगे वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू ठीक है जी इतना बात हो गई क्लियर अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं वन पॉइंट फाइव में से वन माइनस करें विगेट जीरो पॉइंट फाइव वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू ठीक है जी अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इस टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना है अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड के अंदर सो so, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आएगा सो जीरो पॉइंट फाइव इक्वल टू ठीक है जी मैंने एक स्टेप रब करके यहाँ पे लिख दिया आप अपनी कॉपी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे से लिखेंगे अब डेसिमल हटा दीजिए डेसिमल हटा दिया ये रहा ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल फाइव टू जा टेन सो वन ओवर टेन इज इक्व टू वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू इसका मतलब वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई वन ओवर टेन ठीक है क्लियर हो गया कितना आ गया वन ओवर टेन ठीक है अब इसको सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करेंगे इसकी वैल्यू को सो सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है सेकेंड स्टेप में क्या था जब आपने इस कन्वेक्स लेंस को किसी पानी के अंदर डबो दिया ठीक है जैसे ही उसको डिप करते हैं अब किसके अंदर है आपका लेंस किसके अंदर है वाटर के अंदर सो so, यहाँ पर हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे एयर की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दिया वाटर क्लियर हो गया फॉर्मूला आपका सेम रहेगा म्यू माइनस वन वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू इस केस में हम लोग सेकेंड स्टेप कर रहे हैं जब आपका लेंस डिप कर दिया वाटर के अंदर ठीक है अब ध्यान से देखना इस म्यू को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं ध्यान से देखना इस म्यू को किस तरीके से लिख सकते हैं अब आपका जो कन्वेक्स लेंस है वो पानी के अंदर है इसका मतलब यहाँ पे दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ रही है एक आ रहा है आपका वाटर का वाटर कितना है 1.33 एक आ रहा है आपके गिलास का 1.5। अब कन्फ्यूजन क्या है कि इस म्यू की जगह पर हम लोग 1.5 लिखेंगे ये 1.33 लिखेंगे इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ईजी मैथड है कि आपने क्या करना है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है ठीक है गिलास है गिलास लेंस uh, है लेंस पहले हवा में था अब पानी में चला गया अब पानी में चला गया मतलब म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास किस में गया पानी के अंदर डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू ठीक है माइनस वन इस तरीके से आप अपने म्यू को लिख सकते हैं क्लियर हो गया ये टर्म कैसे लिखी आपने किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू जी किसके अंदर गया पानी के अंदर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू डब्ल्यू सो किस तरीके से लिखेंगे म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू क्लियर हो गया ये टर्म हम लोग एस सच लिखेंगे 1 वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू सो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला किस तरीके से बना क्योंकि एक लेंस को दू दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हमने डिप कर दिया अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है क्या करेंगे वन ओवर डब्ल्यू जो है हमने पता करना है ठीक है वन ओवर डब्ल्यू पानी के अंदर उसकी फोकल लेंथ कितनी चेंज हुई वो हमें गिवन नहीं है ठीक है एयर के अंदर फोकल लेंथ गिवन थी लेकिन जब कन्वेक्स लेंस को वाटर के अंदर डिप कर दिया गया तब उसकी फोकल लेंथ हमें पता नहीं है वही चीज़ हम लोग फाइंड आउट करने लगे व्हाट इज़ म्यू जी म्यू जी कितना है जी कितना है 1.5 पॉइंट वाटर का कितना है 1.33 पॉइंट थ्री थ्री माइनस वन वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू का आंसर अभी अभी हमने सॉल्व करा है दैट इज़ वन ओवर टेन ठीक है अभी अभी आपने सॉल्व करा है ठीक है सो so हमने लिख दिया वन ओवर टेन अब वन पॉइंट फाइव में से वन पॉइंट थ्री थ्री डिवाइडेड बाय वन पॉइंट थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टेन ठीक है वन पॉइंट फाइव में से फाइव भी लिख सकते हो जीरो पीछे लिख लो क्योंकि यहाँ पे टू डेसिमल नंबर है अब 1.50 में से 1.33 को माइनस करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.17 इसको 0.17 नहीं बोलना ठीक है डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हो अब उसको नंबर में ही बोलेंगे 0.17 इट्स नॉट 0.17 इट्स 0.17 ठीक है 1.33 को एस थ्री लिखें मल्टीप्लाई बाय ये वाला 10 ठीक है होगी बेटा इतनी बात क्लियर अब क्या करना है दिस इज़ वन ओवर एफ वन ओवर एफ डब्ल्यू लेकिन हमें चाहिए क्या ओनली फोकल लेंथ ठीक है सो फोकल पता करना है इसका मतलब वन ओवर एफ का रेसिप्रोकल ले लीजिए वन ओवर डब्ल्यू वन ओवर एफ का रेसिप्रोकल एफ उसके पैर में डब्ल्यू है बेटा इस तरीके से मत लिख देना दिस इज़ एफ के पैर में डब्ल्यू है ठीक है बहुत सारे बच्चे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सो so, उसके बिल्कुल साथ नहीं लिखना है आपको जस्ट उसके पैर में लिखना है अब अगर इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसका रेसिप्रोकल भी लेंगे तो क्या होगा 1.33 पॉइंट थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन डिवाइडेड बाई जीरो ठीक है अब इस सारी टर्म को आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके देखें 13.3 पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई ज़ीरो पॉइंट सबको डिवाइड किया तो वी गेट 78.23 बेटा मेरे पास कैलकुलेटर है मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रही हूँ सी बच्चों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते लेकिन पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो इस तरीके से एफ़ डब्ल्यू का आंसर आ गया सो so, हमें एयर के अंदर भी फोकल लेंथ पता है अगर आपका कन्वेक्स लेंस एयर के अंदर है तब उसकी फोकल लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर अगर इस लेंस को हमने पानी में डिप कर दिया तब इस कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 78.23 ठीक है उन्होंने बोला है कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका चेंज हो गया ठीक है रिफ्रैक्टिव इंड फोकल लेंथ आपका कितना चेंज हो गया अब हमने पता क्या करना है चेंज इन फोकल लेंथ चेंज इन फोकल लेंथ फोकल लेंथ कितना चेंज हुआ आपका ठीक है सो so, किस तरह तरीके से पता करेंगे पहले पता करेंगे कि वाटर में आपका फोकल लेंथ कितना है माइनस एयर में आपका फोकल लेंथ कितना है वाटर में आपका फोकल लेंथ कितनी थी सेवेंटी एट पॉइंट टू थ्री माइनस एयर के अंदर रिफ्रेक्टिव फोकल लेंथ कितनी है ट्वेंटी ठीक है सेवेंटी एट पॉइंट टू थ्री में से ट्वेंटी को माइनस कर दें आपका आंसर कितना आएगा फिफ्टी एट पॉइंट टू थ्री सेंटीमीटर ठीक है अगर आप सेंटीमीटर में छोड़ के आएंगे तब भी ठीक है अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो विगेट ज़ीरो पॉइंट फाइव एट टू थ्री मीटर ठीक है मीटर में कन्वर्ट किस तरीके से किया आपने अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे 58.23 को 100 से डिवाइड कर देंगे डेसिमल हटाएंगे 100 और आ जाएगा तो क्या बन गया 58 एट टू थ्री फोर जीरो फ़ोर जीरोज़ हटा के लगाएंगे तो 5.0.5823 ठीक है जी सो so इस तरीके से आपका मीटर में आंसर आ गया सो so ये आ गई आपकी चेंज इन फोकल लेंथ सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ एफ क्लियर हो गया बेटा यहाँ पर ना तो एफ़ ए है ना एफ़ डब्ल्यू है सो दिस इज अ चेंज इन द फोकल लेंथ ध्यान रखना जब आप नोमरिकल करोगे आपके जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए अगर आप वाटर की फोकल लेंथ ले रहे हैं तो दैट इज़ एफ़ डब्ल्यू अगर एयर की फोकल लेंथ ले रहे हैं तो एफ ए अगर सिंपल फोकल लेंथ चेंज इन फोकल लेंथ आया दैट इज़ एफ़ ठीक है ये एफ सी भी लिख सकते हो चेंज इन लेंथ मतलब रिप्रेजेंटेशन आपकी सेम नहीं होनी चाहिए सबको अलग अलग नाम से आपने रिप्रेजेंट करना है क्लियर हो गया सो बच्चे आप किसी और नोमेरिकल के अंदर आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच